बहुत कम असर रहेगा। सो पेन कम रहेगा, पेशेंट का जो जो सफरिंग है वो कम रहेगा पोस्ट ऑपरेटिवली, अर्ली रिकवरी हो जाएगा पेशेंट का। एंड ऑल्सो विजन, जो ऑप्टिक्स का जो इनोवेशंस हुआ है, मैंने जैसे हम देखते हैं, जो हम बेयर आइज से देखते हैं उससे हम बहुत लाइक एनलार्ज करके वहाँ से इमेज देखते हैं, तो डिसेक्शन हमारा जो कैंसर का रिमूवल का तरीका है वो अच्छा रहेगा, प्रिसीशन प्रिसाइजली हम उसको निकाल सकते हैं, ये सारा एडवांटेज रहेगा। सो ये एडवांटेज को हम बहुत सारा पेशेंट्स को देना चाहते हैं, जिसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा सर्जन्स मोटिवेट होकर उसको सर्जन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को अपनाना है। दैट वॉज द इंटेंशन ऑफ दिस वर्कशॉप एंड वी सक्सेसफुली डिड दैट। एंड आफ्टर दैट वी डिड अ CME, उसके ऊपर हम डिस्कशन किए, चार पांच पैनल्स किए। पैनल्स में हम उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारा डिस्कशन हुआ एंड इट वाज अ सक्सेसफुल मीटिंग। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति रंजन स्वाई, सर्जिकल अंकुरिश भाग में कार्यरत। सर, HCC पंडा कैंसर वार्ड में अनेक प्रकार कैंसर ट्रीटमेंट कराए ऑपरेशन माध्यम लैप्रोस्कोपी कथा उठी और आपण मैं आज तरह प्रशिक्षण आरंभ कर बाहर डॉक्टर मैं जगह देते कौन विशेषकर जन चाहते रोगी। एक्चुअली आमर मुख्य उद्देश्य थिला गोटे लैप्रोस्कोपिक वर्कशॉप करिवार, तार मुख्य उद्देश्य थिला कि बहुत सारा हॉस्पिटल या बहुत सारा ओडिसा रे लैप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी होउनी, काहे ना एटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लाभ लाभ तो सर बतेले कि जमीती कि आपण बहुत बड़ा दाग लगे गोटे की होल द्वारा दूरबीन द्वारा सर्जरीटा हम जहाँ कॉस्मेटिक बेपारटा रोक ता सहित आपको पेन भी बहुत कम हम पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अधिक हम। तो से एक ये जो सर्जरीटा लैप्रोस्कोपिक सर्जरीटा इट मीन्स ट्रेनिंग एत भल ट्रेनिंग ना बहुत सर्जन्स मैंने करना या बहुत मोटेटेड नुंती आम पेसेंट मैंने भी मोटेटेड नुंती से कहते कि आम लैप्रोस्कोपी ना चलो बट सर्जरी हो जाऊ। तो सीटा मुख्य उद्देश्य था जनवाई बहुत सर्जन्स एंड द पेसेंट्स एंड द होल ओडिशार हस्पिटाल मानक कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा कौन फायदा हो पार। यही सेसन में आम आम जो सर्जन मैंने आसते टाटा मेमोरियल हस्पिटाल इंडो अमेरिकन हस्पिटाल हैदराबाद से आमको बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स बतई ट्रेनिंग कराई जहाँद्वारा कि बहुत सारे जो 100 अधिका सर्जन मैंने पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारा जिनस लर्न कले टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न कले आशा करूँ से ये जो जिनस शिखिले से हस्पिटाल यूज करेंगे और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को आहरी भल भाव करेंगे और लोक को भी मोटिवेट करेंगे कि लैप्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी हो जहाद्वारा कि आम पोस्ट ऑपरेटिव पेन आप दाग न लगे तो कीहोल सर्जरी द्वारा आम कर। सो सेटा ही मुख्य उद्देश्य था कि यही सर्जरी मतलब यही सेसन द्वारा आम समस्त को जन पारू लैप्रोस्कोपी फायदा कौन लैप्रोस्कोपी जी करमी करूँ तो बहुत मात्रा सब सर्जन मानक फायदा हाँ।